तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन मुफाद के डिस ट्रैक बीच आई एम अ गॉड पे, एंड पसंद आया या नहीं ये आपने कमेंट किया या नहीं जरूर बता दीजिएगा मुझे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, मैं हूँ मानसी एंड लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसी वर्ल्ड में। तो जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं महारानी का रिएक्शन मानसी वर्ल्ड पर अपलोड करने वाली हूँ, तो जब मैंने ये वीडियो खोला तो आप लोग सोचे मेरे दिमाग में क्या आया होगा। तो जब मैंने थंबनेल देखा एक बारी फर्स्ट जो लगा मुझे ऐसा लगा कि वो दीपिका पादुकोण का जो पोस्टर था पद्मावत वाला, मैं दीपिका पादुकोण क्यों है, जब ध्यान से देखा अरे यार मतलब जैसा कि कृष्णा ने पिछली बारी एमवीए का मेकओवर किया था तो वही काम दोबारा से कृष्णा ने किया है, यहाँ पर मुहफाद का मेकओवर किया गया है। क्या एडिटिंग की है बस, मतलब कोई अगर उसको दूर से देखेगा ना तो उसको यही लगेगा कि यहाँ पर रानी पद्मावत वाला पोस्टर आपके सामने रखा गया है। तो महारानी टाइटल यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मुहफाद को लोग महाराज बोलते हैं, खुद को वो महाराज बोलते हैं, तो महाराज का यहाँ पर बना दिया गया महारानी बिकॉज ये एक डिस ट्रैक है। तो देखते हैं क्या रिप्लाई दिया है यहाँ पर कृष्णा ने मुहफाद के वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो। महारानी सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी, गहराई में मैं शार्ट मेरी लहरारी, तू वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी, पड़ेगा थप्पड़ तू असली खबर पड़, मैंने महारानी को फाड़ दिया, देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंदूर से, मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया, तेरी प्रजा नहीं ये मेरी अवाम है, तेरे दोगलेपन का तो राहूं गवाह मैं, एयर होस्टेस थी ना तेरी बंदी, वो तो उसका काम है पर तू क्यों हवा में, तू था डॉग तेरी बीच में ही जाता, नॉक नॉक रात के बीच में ही आता, उसने कहा क्रिश गिव मी दैट डिक, मेरा इतना बड़ा उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता, बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में, बुरा लगा कृष्णा भैया आगे निकल गए असल में, बुरा लगा आर्टिस्तान ने तुझे प्यार नहीं किया, बुरा लगा तुझ पे डीएमएफ ने कभी ध्यान नहीं दिया, करने लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा पर हमले से पहले एक वार्निंग आता, क्लासिकल संगीत का है शौक मुझे आजकल, उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा, दिस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है, मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्स की दर है, मैंने डाला गाना 11:30 तूने डाला 10 पे 22.5 घंटे मैच की दर है, 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया, 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया, माल फूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया, अभी बहुत रेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी, रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया, रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी, थोड़ा कम फूक तू मार ली नहीं है, हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है, जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी, आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, लेना ना पंगा लगा दूं मैं लंका, तुझ में ना क्षमता बनाने का ढंग का, सुबह सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा, आज ही मेरा घंटा, कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्ल से शक्कर था, तुझ पे मैं शक्कर था छोटे, तू मेरे ना टक्कर का, जाके ये पकड़ जा तू टोनी ककड़ का, भसड़ का जिक्र अब कर रहा है जान के, मेरा विकिपीडिया पढ़ ले तू ध्यान से, पड़ा जे की मीडिया के कूड़े दान में, मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते, फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके, अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में, मैं घुसे वाला नहीं मिलने घंटा घर पे, पंच लाइन पे पंच लाइन पे पंच लाइन, इसको देख के लगता है जैसे मेरा लंच टाइम, आर यू स्लिट बैक जैसे खुलू किट कैट, लाता मैं बार जब आता है क्रंच टाइम, आई एम नॉट द वन टू फक विद, तू लगे इन ब्रेड जैसे बन में कटलेट, अब बंटी के बिस्तर में कर तू वर्जिश, आई गेस फॉर यू सन इज फन टू सक दिक, बीफ में तेरी क्या औकात है, आई किल गाय छोड़ी सौलाश है, तेरा खानदान सुनता है एमवीवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है, मैदान में बस असली जो रख दे कदम, तू नकली जन्म से अब रख ले भरम, रिप्लाई के नाम पे तू कर ले शरम, रख दे कलम हर जस तू कर दे खत्म, 40 भी सुनता है कृष्णा के गाने, यहाँ सच नहीं बोलता तू फेकर है बेटा, तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज, किंग रॉको का चौको तू लेकर है बैठा, खा ले तू मुंह में अब डाल ले तू, रैप छोड़ बेटी तेरे बस की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले जुल्फे संभाल ले तू, इतने साल से बनाया नहीं हिट, हिप हॉप के घर में लगाया नहीं ब्रेक, बीमारी में तूने बनाया ये डिस, अफसोस फिर भी कुछ लिख पाया नहीं, सिक मारने का था तुझे इरादा नहीं, दिखाया रिस्पेक्ट और बदले में मांगा नहीं, धक्का दोगे तो कठोर मुझसे ज्यादा नहीं, मैं ही भगवान मुझसे बड़ा महाराजा नहीं, बहुत हार्ड डिस ट्रैक था, मतलब सीरियसली इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों के साथ कभी पंगा मत लो, और खास तौर पर उस इंसान के साथ जो कि जिसके साथ आप रह चुके हो और जो आपके सारे राज जानता है, बस ए टू जेड पूरी कहानी बता दी इन्होंने मुफाद की, सीरियसली
मतलब क्या क्या नहीं बोला है पूरे डिस ट्रैक में यार। एमी वे फिर से लाए हैं यहाँ पर कृष्णा दोबारा से। पिछले वाले वीडियो में भी एमी वे ने थोड़ा सा बोला था और इस बारे भी, बट मेरे को थोड़ा सा ये बुरा लगा कि यहाँ पर उन्हें फैमिली को बीच में लाए हैं। यहाँ पर कृष्णा ने बोला है कि तेरा खानदान अब सुनता है एमी वे के गाने, तो मतलब आगे मैं नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोग को पता ही है क्या बोला है। तो यहाँ पर फैमिली एंड गर्लफ्रेंड को भी वो बोले कि तेरी बंदी एयर हॉस्टेस थी, उसका तो वो काम था, पर तू क्यों हवा में उड़ रहा है। मतलब हर चीज, गर्लफ्रेंड, माँ बाप, घर वाले, सबको यहाँ पर बीच में ले आए हैं, एमी वे हो या कोई भी हो। मतलब यार, और जो रेफरेंसेस थे, जो यहाँ पर कृष्णा ने रेफरेंस दिए हुए हैं, अविता, रेखा, टोनी कक्कर, मतलब क्या क्या नहीं रेफरेंसेस दिए, मतलब लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस से भरा हुआ है ये डिस्ट्रैक। एंड बॉस, मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुहफाद ही इतने जल्दी डिस्ट्रैक बना रहे हैं, बट कृष्णा ने तो भाई और भी जल्दी डिस्ट्रैक निकाल दिया। मुझे पता नहीं कि कितनी देर में डिस्ट्रैक्ट निकाला है, बट एक ही दिन में, उसके जस्ट बाद उन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाला है मुफाद के लिए। एंड सीरियसली, तो वो है जल परी जो नहर में नहीं है तैर पा रही, नहर गॉड, मतलब क्या बोलूँ मैं इस डिस्ट्रैक्ट को सुनने के बाद, क्या बस, मतलब आवाज़ ही बंद हो गई मेरी तो, मैं इतनी हंसी हूँ पूरे डिस्ट्रैक्ट में। आप लोग अगर ध्यान से कान में हेडफोन लगाओगे और वो जो नीचे लिरिक्स चल रही थी ना, जो बुलेट चल रही थी, उसको पढ़िए, वहाँ पर आप कृष्णा पर ध्यान मत दीजिए, तो आप अच्छे से समझ जाओगे क्या क्या बोले हैं यहाँ पर कृष्णा ने। पर कृष्णा ने वो सारे लिरिक्स जितने की मुफाद ने बोले थे अपने डिस्ट्रैक में, बीच आई एम अ गॉड में, उन हर एक एक वर्ड का रिप्लाई दिया है। सिर्फ कुछ कुछ नहीं, पूरे हर एक एक वर्ड का, फर्स्ट से लेकर एंड तक, जो भी मुफाद ने क्वेश्चन किए थे या जो कुछ भी वो बोला था कृष्णा के लिए, हर एक चीज़ का रिप्लाई इस वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो रफ्तार के बारे में, तो यहाँ पर उन्होंने, और तुझे बुरा लगा तुझे रफ्तार ने हॉस्टल में नहीं बुलाया, और तुझे बुरा लगा तेरा भाई कृष्णा भाई तो उससे आगे चले गया, मतलब बहुत चीज़ें वो बोल रहे हैं, हर एक चीज़ का रिप्लाई दिए हैं। एंड रागा के लिए भी, मतलब वो बोले हैं कि मेरे को क्लासिकल संगीत का शौक है, तो मैं रोज सुबह रागा के गाने बजाता हूँ। मतलब रागा, मुझे लगता है कि एक न्यू डिस्ट्रैक आने वाला है जो रागा की तरफ से होने वाला है पक्का। और यहाँ पर उन्होंने जो जैसा बोला था यहाँ पर मुहफाद ने कि मैंने 10 घंटे में तैयार किया है अपना ऑडियो, तो यहाँ पर कृष्णा ने उस चीज़ का भी रिप्लाई दिया था कि मैंने 11:30 बजे अपना वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद तूने 10 बजे अपना वीडियो अपलोड किया है, तो 22.5 घंटे का मैच किधर है। मतलब कि वो बोलना चाह रहा है साफ साफ कि मुहफाद कह रहा है कि मैंने 10 घंटे में तैयार किया, लेकिन यहाँ पर 22.5 घंटे हुए थे, तो बचा ये मैच कहाँ पर से चल रहा है। इस चीज़ के लिए भी बोला है कि मुहफाद के जो व्यूज़ हैं वो कम है, कि तू एक साल से मिलियंस क्रॉस भी नहीं कर पाया है उनके जो वीडियोज़, उनके लिए बोल, तो ये चीज़ तो थोड़ा गलत ही हो सके यहाँ पर। तो अगर मैं बोलूँ तो कृष्णा का भी वीडियोस इतने ज़्यादा मिलियंस व्यू हर वीडियो में नहीं रहे हैं, जो उन्होंने एमी वे के ऊपर डिस्ट्रैक बनाया था उस पर जरूर मिलियन व्यू थे, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अटपटी लगी। बट बाकी सारी चीज़ें यार, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है कृष्णा ने यहाँ पर, A to Z हर चीज़ बोल दी है, क्या क्या नहीं बोला है। तो अगर देखूँ इसको तो बॉस, बहुत ही बढ़िया वीडियो था, जिस तरह से पूरा वीडियो है, जो उसके बार्स हैं, जो तरह का फ्लो चल रहा था, अमेजिंग। लिरिक्स बहुत 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 अच्छी थी। उनका प्रीवियस जो वीडियो था, जो डिस्ट्रैक था अनटाइटल, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे महारानी लगा, बिकॉज महारानी में ना हर एक फैक्ट दिखाया गया, हर एक सच्चाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। तो अब देखना ये बाकी रहेगा कि महारानी का क्या आंसर आने वाला है मुहफाद की तरफ से, आने वाला है या नहीं आने वाला है, बिकॉज़ थोड़ा सा लोगों में एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी जब से डिस्ट्रैक्ट चला है इंडिया में, कि क्या होने वाला है आगे, वो उसका आएगा रिप्लाई नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या वीडियो आता है आगे और किस वीडियो के ऊपर मेरा रिएक्शन आता है आगे। बट ये वाला वीडियो देखने के बाद तो मैं कृष्णा को मान गई, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने वीडियो तैयार किया है, जैसा कि मुहफाद ने कहा था उन्होंने 10 घंटे में तैयार किया है। बट सीरियसली मज़ा आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, गाली भी नहीं बोलूँगी, बोलो इस तरह से बोला है कृष्णा ने कि पता नहीं चले लोगों को, साफ तौर पे गालियाँ नहीं दी हैं, बट बहुत कुछ बोले हैं, A to Z बहुत कुछ। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर मेरा रिएक्शन? मुझे तो दोनों वीडियो का कंपेयर करूँ तो महारानी, अभी तक जो मैंने दोनों वीडियो अनटाइटल और बीच आई एम अ गॉड पे रिएक्शन दिया, उन सब में अच्छा मुझे महारानी लगा अभी तक का। तो अगर आप लोगों को क्या लगता है गाइस, मुझे बताइएगा कि कौन सा डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा भारी पड़ा है, कृष्णा का या फिर मुहफाद का, कौन विनर है अभी तक के डिस्ट्रैक्ट में, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स कर में बता दीजिएगा। मुझे ज़रूर ये जानने में खुशी होगी कि मेरे विचार ज़्यादा सही थे या आप लोगों के कुछ और विचार हैं। तो और अगर कुछ
बुरा लग जाए मेरी बातों का या मैंने किसी के लिए कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो आप लोगों को मिलती हूँ गाइस अगले किसी रिएक्शन वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।